बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम द रीडर स्कूल हाफिजाबाद। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर थर्ड लेक्चर फ्रॉम यूनिट नंबर 3। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से एक पत्ते का जो स्ट्रक्चर है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को आसान बनाता है और उसके लिए इंतहाई मुनासिब है। आइए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ इज वेल सुटेड टू फोटोसिंथेसिस। पत्ते का जो स्ट्रक्चर है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत मुनासिब है। मोस्टली फोटोसिंथेसिस अकर्स इन ग्रीन लीव्स बिकॉज देयर स्ट्रक्चर इज सूटेबल फॉर दिस प्रोसेस। ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो सब्ज पत्तों में होता है। उसकी वजह यह है कि उनका जो बनावट है वो बहुत मुनासिब है इस अमल के लिए। कैसे? मोस्ट लीव्स हैव अ फ्लैट ब्लेड टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट। ज़्यादातर जो पत्ते हैं उनकी जो सरफेस है वो चिपटी हुई होती है, बिल्कुल सीधी ब्लेड टाइप, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी जज हो सकती है, और जितनी ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब होगी डेफिनेटली उतनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी। सेकेंड पॉइंट है, लीव्स आर थिन सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइट कैन रीच टू इनर सेल्स इजीली। पत्ते चूंकि बारीक होते हैं, पतले होते हैं, तो उनमें से आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट गुजरकर अंदरूनी सेल्स तक पहुंच सकती है। तो ये दोनों जो फैक्टर्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट, दोनों ही फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को फास्ट करते हैं। तो जितनी ज़्यादा ये दोनों फैक्टर्स इजीली इनर सेल्स में जाएंगे उतना ही आसान होगा फोटोसिंथेसिस का अमल। थर्ड पॉइंट है, लीव्स हैव लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा इन द लोअर एपिडर्मिस। कार्बन डाइऑक्साइड कैन एंटर एंड ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर्स लीव थ्रू दी स्टोमेटा। हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में पढ़ा था कि लोअर एपिडर्मिस में बहुत ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा क्या है? गार्ड सेल्स के दरमियान मौजूद होल्स। तो ये जो होल्स हैं ये पत्ते की लोअर एपिडर्मिस में मौजूद हैं, और ये क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स का जो तबादला है पत्ते और हवा के दरमियान उसको आसान बनाते हैं। तो जितने ज़्यादा स्टोमेटा होंगे उतना ही ज़्यादा इन चीज़ों का एक्सचेंज होगा और उतना ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो इफेक्ट होगा। थिक लेयर ऑफ मेसोफिल सेल्स मेक्स इन अ फूड फॉर द प्लांट। हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में ये भी पढ़ा था कि मेसोफिल सेल्स जो हैं वो एरिया हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एक्चुअली रूनमा होता है और वहीं पे फूड प्रिपेयर होती है। तो मेसोफिल सेल्स की थिक लेयर मौजूद होती है पत्ते में, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा खुराक को बनाने और स्टोर करने में हेल्प करती है। फिफ्थ पॉइंट है, वेस्कुलर बंडल इन द लीफ स्प्रेड्स इट्स वेन्स इन अ नेटवर्क टू कैरी वाटर टू फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स एंड ग्लूकोज अवे फ्रॉम देम। वेस्कुलर बंडल जो है पत्ते का वो क्या करता है, वो एक जाल की तरह फैला होता है पत्ते में, और वो पानी को फोटोसिंथेसिस करने वाले सेल्स के पास लेकर जाता है ताकि फोटोसिंथेसिस आसान हो सके, और जो ग्लूकोज बनाते हैं लीव्स मेसोफिल सेल्स में उस ग्लूकोज को वहाँ से लेकर जाकर दूसरे पार्ट्स में स्टोर करते हैं। ठीक है, वेस्कुलर बंडल। और हमने ये भी पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि वेस्कुलर बंडल में दो तरह के टिश्यूज शामिल हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो है वो वाटर को कैरी करते हैं, और जबकि फ्लोएम जो है वो प्रिपेयर्ड फूड जो कि ग्लूकोज की फॉर्म में है उसको कैरी करके दूसरे पार्ट्स तक सप्लाई करते हैं। ऑल दिस करेक्टरिस्टिक्स प्रूव डैट द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ इज फिट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये तमाम खसूसियात ये बताती हैं कि एक पत्ते का जो स्ट्रक्चर है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए ही अल्लाह ताला ने बेहतरीन बनाया है, ताकि बहुत आसानी से और तेजी से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यहाँ पे रूनमा हो सके। साथ में आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ये लीफ है, इसकी फ्लैट ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे सनलाइट जो है मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो सकती है, ऑक्सीजन जो है यहाँ से इजीली इवॉल्व हो सकती है। ये है इसका जो ग्रीन पार्ट है, यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और यहाँ पे ग्लूकोज भी बन रही है मेसोफिल सेल्स में। इतने से पार्ट को उन्होंने जूम करके दिखाया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टोमेटा प्रेजेंट है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है यहाँ से लीव में इजिली एंटर हो सकते हैं। पॉइंट टू थिंक, व्हाट वुड हैपन स्पेशली टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर इफ फोटोसिंथेसिस स्टॉप्ड। कह रहे हैं कि अगर फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाए तो क्या होगा, खास तौर पर ऑक्सीजन के साथ क्या मामला होगा, जो कि हवा में मौजूद ऑक्सीजन है। तो ये होगा कि जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो प्लांट्स फूड प्रिपेयर नहीं कर सकेंगे, फूड प्रिपेयर नहीं होगी तो प्लांट्स की डेथ हो जाएगी, प्लांट्स की डेथ हो जाएगी तो ऑक्सीजन हवा में जो है वो नहीं बनेगी। जब हवा में ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सांस नहीं ले सकेंगे, और ना ही वो पौधों को खा सकेंगे, क्योंकि बहुत बड़े अमाउंट में लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपनी फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। तो जब प्लांट्स नहीं होंगे तो दो नुकसान होंगे, एक तो ऑक्सीजन भी नहीं बनेगी, दूसरा ये कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की फूड इफेक्ट होगी। तो ये दोनों फैक्टर्स ही लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को डेथ पॉइंट पे ले जाएंगे, और अल्टीमेटली तमाम जिंदगी जो है वो दुनिया से ख़त्म हो जाएगी। योर होम टास्क इंक्लूड्स लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव डेट द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये साबित करें
के पत्ते का जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो बनावट है, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को सहूलत बख्शता है, उसे आसान बनाता है। इसके आंसर में आपने आज का सारा लेक्चर करना है पॉइंट टू थिंक वाले ब्लॉग के अलावा, जितना भी हमने आज पढ़ा है वो सारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।